हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवल फूड एंड मेरा ब्लॉग। मैं हूँ अमृतसर में और मैं अभी जा रहा हूँ हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, जो कि गोल्डन टेंपल के नाम से फेमस है। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना मेरे वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे वीडियोज़ के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं गोल्डन टेंपल और मिलते हैं वहाँ पर। सत श्री अकाल। वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे। दोस्तों, गोल्डन टेंपल आने का सबसे सही समय जो है वो होता है ठंड विंटर का, बाकी आप कभी भी आ सकते। तो दोस्तों, आप ये सामने देख सकते हैं दरबार साहिब का मेन गेट, ये एंट्री गेट है, और इसके दोनों साइड आप देख सकते हैं कि शॉप्स वगैरह हैं। तो हम वहाँ जा रहे हैं दरबार साहिब। कम से कम 250 साल पुराना शनिदेव मंदिर, जो कि दरबार साहिब से बिल्कुल लगा हुआ बाहर बना हुआ है, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। गोल्डन टेंपल का बाहरी हिस्सा जो पूरी संगमरमर मार्बल का बना हुआ है, आप देख सकते कितना सुंदर दिख रहा है। और ये पूरा सफ़ेद मार्बल का और इस पर डिज़ाइन की हुई है गोल्डन में, तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा केवल आपको अमृतसर में और गोल्डन टेंपल में ही देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, गोल्डन टेंपल को हरमंदिर साहब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन टेंपल पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। पूरा अमृतसर शहर गोल्डन टेंपल के चारों तरफ बसा हुआ है, और यहाँ पर हजारों श्रद्धालु रोज गोल्डन टेंपल में माथा टेकने के लिए आते हैं या दर्शन। दोस्तों, इस गुरुद्वारे की नींव सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी। दोस्तों, अमृतसर का नाम वास्तव में सरोवर के नाम पर रखा गया है, जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। ये गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच में बना हुआ है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, जिसके कारण इसको स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेंपल कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर को दोस्तों कई बार नष्ट किया गया, लेकिन आस्था के कारण सिखों और हिंदुओं ने उसको दोबारा बनाया। इसे दोबारा 17वीं सदी में महाराजा सरदार जस्सा सिंह ने बनाया था। जितनी बार भी नष्ट किया गया और जितनी बार भी बनाया गया, उसकी घटना को मंदिर में दर्शाया गया है। दोस्तों, लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव सिंह ने तैयार किया था। ये गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल है, इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता देखते ही बनती है। दोस्तों, गोल्डन टेंपल हरमंदिर साहिब परिसर में दो बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं। ये सारे तीर्थ स्थल जलाशय के चारों तरफ बने हुए हैं। इस जलाशय को अमृतसर, अमृत सरोवर, अमृत झील के नाम से भी जाना जाता है। पूरा स्वर्ण मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, और इसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों से नक्काशी की गई है। दोस्तों, गोल्डन टेंपल में पूरे समय गुरुवाणी की भक्तिमय लहरियाँ गूंजती रहती हैं। दोस्तों, यहाँ पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, वहाँ पर आप निःशुल्क रह सकते हैं, रुक सकते हैं। वहाँ से आपको कंबल की व्यवस्था मंदिर कमेटी द्वारा की गई है, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं स्वर्ण मंदिर का सुंदर नज़ारा, ये आप देख सकते हैं पूरे तरफ चारों तरफ से। दोस्तों, इस पवित्र जलाशय के चारों ओर कई छोटे छोटे से तीर्थ स्थल बने हुए हैं। इनका अपना इतिहास है, इनकी अपनी महत्वता है। तो यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर भी अपना माथा टेकते हैं और अपनी अरदास लगाते हैं। यहीं दोस्तों आपको लंगर हॉल मिल जाएगा, जहाँ पर प्रतिदिन लाखों हजारों लोगों के लिए निःशुल्क भोजन बनता है। लंगर की व्यवस्था की गई, यहाँ पर प्रसादी वितरण की जाती है, और ये काफ़ी बड़ा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
कोई भी आके सेवा भाव से यहाँ सेवा कर सकता है, यहाँ पर अपना सहयोग दे सकता है भोजनशाला में, लंगर में। और ये लंगर हॉल में सभी श्रद्धालु लंगर ग्रहण करने के लिए जाते हुए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लंगर हॉल के शुरुआत में ही थाली दे दी जाती है और ये थाली लेके आपको लंगर हॉल में प्रवेश करना होता है। और ये प्रथा कई सालों से चली आ रही है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था की गई है और बिना किसी भेदभाव के किसी भी समाज का व्यक्ति यहाँ पर आके लंगर ग्रहण कर सकता है। ये आप देख सकते हैं कितना विशाल लंगर हॉल है स्वर्ण मंदिर अमृतसर का। और ये देख सकते हैं आप लंगर प्रसादी वितरण किया जा रहा है। तो दोस्तों आइए हम भी लंगर को चखते हैं और इसको प्रसाद ग्रहण करते हैं अमृतसर गोल्डन टेंपल लंगर हॉल में। और अगर आप भी यहाँ कभी आते हैं तो आप ये प्रसाद जरूर चखें क्योंकि इसका स्वाद इतना हाई लेवल का होता है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही स्वाद भोजन है लंगर का। और ये आप देख सकते हैं कितना विशाल विशाल भगोने में बनाया जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालु आके लंगर चखते हैं। यहाँ पर आप आके अपनी सेवाएं भी दे सकते हैं, आप चाहे तो खुद यहाँ पर आके सेवा कर सकते हैं, किसी भी स्वरूप में आप यहाँ पर सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी जाति धर्म का भेदभाव किए बिना सब कुछ एक सिस्टम के तहत चलता है पूरा कामकाज। हमने लंगर ग्रहण कर लिया दोस्तों, उसके बाद ये दूसरा ग्रुप आता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। और एक हॉल, इस हॉल में एक ग्रुप में कम से कम हजारों 500 हजारों लोग यहाँ पर आके लंगर ग्रहण करते हैं, ये पूरा हॉल फुल हो जाता है। ये देख के इस तरह ये सिलसिला चलता ही रहता है। लंगर ग्रहण करके हम जैसे ही बाहर निकलेंगे यहाँ से तो यहाँ पर आपको थाली जो आपने खाया है वो लंगर थाली और चम्मच आपको यहाँ पर देना रहता है। और उसके बाद आगे आपको ये यहाँ पर आप थाली दे दें अपनी और ये यहाँ पर सेवा करने वाले आपसे थाली लेकर और विनम्रता से आपको हाथ जोड़ के आपका अभिवादन करेंगे और ये थाली आगे की तरफ इसी देखिए इसी तरह सिस्टम रहता है। एक के बाद एक के हाथ से हाथ ये थाली आगे बढ़ती चले जाती है और आगे धोने थाली पूरी धोने के लिए जाती है। ये आप देखिए यहाँ पर पूरा सब साफ हो रहा है। और ये देखिए ये सिस्टम, ये देखिए एकता, ये पूरी तरह से सारा कोई बड़ा छोटा गरीब अमीर सब छोड़ के सब अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं गुरु के चरणों में। महिलाएं भी यहाँ पर हैं सब। दरबार साहिब में दोस्तों हमने मत्था टेकने के बाद लंगर चखने के बाद हम गुरुद्वारे से बाहर निकलते हैं। तो आज बसंत पंचमी का दिन होने की वजह से आज सिख समुदाय के द्वारा यहाँ पर एक जुलूस निकाला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे बच्चे बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। ये सिख समुदाय के पूरे बच्चे और ये स्कूल के बच्चे यहाँ पर अपनी पूरी प्रस्तुति देते हुए। ये देख सकते हैं आप दोस्तों सिख समुदाय के बच्चों के एक मनमोहक परिधान जिन्होंने विशेष बसंत पंचमी के पे पहना हुआ है परिधान। और इनके द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति छोटे छोटे बच्चों द्वारा दी जा रही है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को
लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों मेरे चैनल को। और आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मैं और आपके सामने ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। तो ये आप देखिए, सिख समुदाय के बच्चों द्वारा दी जा रही प्रस्तुति। दोस्तों ये था मेरा स्वर्ण मंदिर अमृतसर का व्लॉग। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ मुझको सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही मेरे चैनल को ग्रो मिलेगी और मैं आपके सामने और अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं आपके सामने एक नए जगह पे नए व्लॉग लेकर आपका आऊँगा। जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।